हैप्पी भाई दूज फ्रेंड्स। तो चलिए भैया दूज आ गया तो चलिए फटाफट केक बना लेते हैं, क्योंकि दिवाली में तो बहुत सारे मिठाइयाँ बनाई, तो कुछ अलग बनाते हैं। तो इसके लिए मैं केक बनाई हूँ और आप देख सकते हैं कितना इजीली कट भी रहा है, यानी सुपर सॉफ्ट केक बना है, वो भी दो फ्लेवर में, एक चॉकलेट एक वनीला फ्लेवर में। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ। तो आज मैं फ्रेंड्स, मेरे पास ये गैस वाला ओवन है, यानी कि आज मैं इसमें बेक करूंगी। तो कोई भी आप केक गैस पे कोई भी मोल्ड रख करके आप केक बेक कर सकते हैं, पर मैं आज इसमें बताने जा रही हूँ। तो उसको तेल से ग्रीस करके और मैदा छिड़क दी, केक मोल्ड को फिर साइड कर दी, केक बर्तन को। उसके बाद एक कटोरी से कम यानी पौना कटोरी में राइस ब्रान तेल यूज कर रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवर का तेल ले सकते हैं, पर मूंगफली का तेल ना लें। उसके बाद इसमें तेल डालने के बाद अब मैं इसमें पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। तो पीसी हुई चीनी एक कटोरी और 2 चम्मच, यानी कि कोई भी बर्तन से केक बनाए ना तो नाक एक ही रखें। तो एक कटोरी चीनी और 2 चम्मच मैं एक्स्ट्रा ली थी, उसे मिक्सी के जार में डाल करके पीसती हूँ। अब इसे मैं इस तेल में डाल करके ऐड कर रही हूँ। तो आप घर में भी कोई भी चीनी को पीस लें, तो आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ। दूध डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। तो मिक्स करेंगे उसके पहले एक जो बहुत ही ये एक टिप्स है जो आपको केक को बहुत सॉफ्ट बनाएगा, वो है विनेगर। तो 1 चम्मच मैं विनेगर डाली हूँ। तो आप देख सकते हैं व्हाइट विनेगर मैं यूज कर रही हूँ। तो बस विनेगर डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसे आप अच्छे से फेंट लें। तो फ्रेंड्स, अब इसमें जो मैं डाल रही हूँ, जो आपका स्वाद बिल्कुल अलग बनेगा केक का। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या डाल रही हूँ। तो ये है बादाम ड्रिंक मिक्स। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, केक बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो अगर ना हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर लें और उसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल करके इसका एक घोल तैयार कर लें। और ये ध्यान रखें कि जब आप मैदे डाल करके मिक्स करते हैं तो एक ही साइड से आप इसको घोल को चलाते रहें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैदा, यानी कि इसमें टोटल मैदा मैं डाली हूँ 2 कटोरी 4 चम्मच। तो 2 कटोरी 4 चम्मच डाली हूँ। जिस चम्मच से मैं विनेगर डाली थी उसी चम्मच में यूज की हूँ मैदा डालने के लिए। तो इसमें 2 कटोरी मैदे के हिसाब से इसमें आप डालिए 2 टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा। और तो इसमें फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसे डालने के बाद थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ 2 चम्मच के लगभग, और इस घोल को तैयार कर लेते हैं। तो ये घोल भी जल्दी से तैयार हो जाएगा, टाइम भी आपको नहीं लगेगा, अच्छे से मिक्स कर ले। तो देखिए ये मिक्स हो रहा है। तो आपको अगर दूध की ज़रूरत और लगे तो आप दूध एक्स्ट्रा और दे सकते हैं, पर मेरा इसमें दूध टोटल 1 कप लगा है। तो जब घोल तैयार हो गया तो एक थोड़ा सा मैं फ्लेम जो बनाना है उसे मैं साइड कर देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, इतना मैं साइड कर दी हूँ और इस बचे हुए घोल में चॉकलेट पाउडर 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये कोका पाउडर मेरे पास है तो कोका पाउडर डाल रही हूँ, चॉकलेट पाउडर हो तो चॉकलेट पाउडर, जो भी घर में अवेलेबल हो वो आप डाल करके इसे मिक्स कर दें। तो चलिए घोल तो तैयार हो गया, अब फटाफट बेक करने की तैयारी करते हैं। तो इसमें मैं डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं कि केक का जो बैटर है बिल्कुल स्मूथ है, और इसके गिरने के स्टाइल से भी आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का बैटर अगर तैयार होता है तो केक आपका बहुत अच्छा बनेगा। इसको थोड़ा सा टैप कर लें, जिसके कारण से क्या है कि सेट भी हो जाएगा और एयर बबल्स भी होंगे वो भी निकल जाएंगे। फिर मैं वनीला फ्लेवर का जो डाल रही हूँ ऊपर से, पर फ्रेंड्स वनीला एसेंस में डाली थी, वो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई हूँ। तो एसेंस हो तो डाल दें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो बादाम ड्रिंक मिक्स है जिसके कारण से बहुत टेस्टी बनेगा। ऊपर से चोको चिप्स में डाल दी हूँ, ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये जो बर्तन है उसके नीचे एक सेट करने के लिए आता है जिसमें रेत रखी हूँ। तो उस रेत गर्म होने के लिए मैं 5 मिनट के लिए पहले रख दी थी।
और फ्रेंड्स केक बेक होने में टोटल टाइम 1 घंटे का लगा है। तो देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। अगर कभी ना हो तो 5 से 10 मिनट तक और भी आप रख सकते हैं, क्योंकि गैस का फ्लेम और बर्तन पे भी डिपेंड करता है। फिर ये जब थोड़ा ठंडा हो गया तो इसे मैं पलट ली हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा केक तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आज की केक रेसिपी अच्छी लगी हो और जो फर्स्ट टाइम आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।